किसी समय में निर्गुण निराकार परम ऊर्जा से सगुण शिव का निर्माण हुआ और शिव से ही शक्ति का निर्माण हुआ। शिव और शक्ति ने प्रकृति और पुरुष की रचना की। पुरुष जो कि श्री हरि विष्णु ही है और प्रकृति उनकी पत्नी है। जब उन्होंने वो संभाला ही था कि अचानक शिव जी ने भविष्यवाणी की और कहा, तुम्हें तपस्या करनी चाहिए, तभी तुमसे सृष्टि का निर्माण होगा। प्रकृति और पुरुष तपस्या करने के लिए स्थान ढूंढ रहे थे, इतने में शिव ने उनके लिए पंचक्रोशी नामक नगर का निर्माण किया जो कि आकाश में था। प्रकृति और श्री हरि शिव जी की कठोर तपस्या करने लगे। कठिन परिश्रम के कारण श्री हरि के शरीर से सफेद पानी निकलने लगा। ये सब देखकर श्री हरि ने अपना सिर हिलाया, जिससे उनके कान में से मणि निकलकर घाट पर गिरी। तब से उस जगह को मणिकर्णिका घाट कहा जाने लगा। धीरे धीरे श्री हरि के सफेद जल से प्रकृति डूबने लगी। तब महादेव ने उसे अपने त्रिशूल में धारण कर लिया। फिर श्री हरि वहीं बैठ गए और उनकी नाभि से ब्रह्मा जी भी निकले और शिव जी की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने पृथ्वी का निर्माण किया। फिर शिव जी ने सोचा कि पृथ्वी में पापों से मुक्ति के लिए भी एक रास्ता होना चाहिए, इसलिए उन्होंने पंचक्रोशी को पृथ्वी में छोड़ दिया और स्वयं